Good morning, students. Here is another turn for your science class, and today we are going to learn our next chapter, that is chapter number 17, Star and Solar System. In this chapter, we are going to learn about the heavenly bodies. So before going to the chapter, I must ask you something, कि आप क्या कभी आपने रात को खुले आसमान की तरफ देखा है? और क्या कभी आप दिन में भी खुले आसमान की तरफ देख सकते हो? क्या आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आता है कि दिन में और रात को जो जो स्काई होता है हमारा वो कुछ अलग लगता है और रात में कुछ अलग लगता है? एक्चुअली जो हमारा सन है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, वो दिन में जब राइज करता है तो वो अपनी लाइट से जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उन सबको जो है वो ढक लेता है और किसी को भी चमकने नहीं देता है. लेकिन रात को हम देख सकते हैं कि बहुत सारी हेवनली बॉडीज होती हैं, स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टलेशंस हमें दिख सकते हैं रात को, क्योंकि उस समय सन इज नॉट प्रेजेंट एट द स्काई, तो उस समय वो हमें दिखते हैं. और जो सेलेस्टियल बॉडीज ट्विंकल करती हैं दे आर स्टार्स, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी हैं जो ट्विंकल नहीं करती हैं, सो दे आर प्लैनेट्स. सो जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्काई में प्रेजेंट होते हैं, आइदर वो स्टार है, सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, या और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ऑल कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. So students, at the end of the chapter, we are going to understand about night sky, galaxy, universe, about moon, different stars, different types of constellation, our solar system, and हम पढ़ेंगे concept की artificial satellites क्या होते हैं. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि there is a big difference between a night sky and a day sky. अगर आप carefully observe करेंगे तो रात को तो कुछ objects जो होते हैं वो twinkle करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो अपनी फेयरली स्टेडी लाइट देते हैं, या फिर कहें कि कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते और वो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है. और जो अपनी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मून होता है, जो सिर्फ अपनी स्टेडी लाइट देते हैं. तो मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि स्टार्स, मून्स, प्लैनेट और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में उसको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं. नाउ वी कम टू द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स एक बहुत ही वास्ट स्पेस है जो इंक्लूड करता है सब कुछ, एवरीथिंग. यूनिवर्स इंक्लूड्स ऑल द मैटर, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनर्जी है, स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें, चाहे वो स्टार्स हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, मून है, मीटियोराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, और इवन गैसेस उनके बीच में जो हैं, ये सब कंस्टिट्यूट करती हैं यूनिवर्स को. और जो साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. एंड द साइंटिस्ट्स जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. नाउ वी कम टू द गैलेक्सीज. गैलेक्सी जो होती है वो जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा यूनिवर्स होता है या जो हमारा स्पेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा रात को हमें ब्राइट स्पेक्स दिखते हैं, जो वास्ट कलेक्शन होता है एक्चुअली, जो स्टार्स का, डस्ट का और गैसेस का. गैसेस जो होल्ड करती है आपस में ग्रेविटी की वजह से स्टार्स को और डस्ट को, उसको हम जो है गैलेक्सी बोलते हैं. गैलेक्सीज इतनी बिग होती हैं कि उनको कई थाउजेंड लाइट ईयर्स लग जाते हैं ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, अगर हम रात को देखें तो हम देख सकते हैं एक बहुत ब्रॉड बैंड लाइट का, तो उसको जो है वो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी. हम टेलीस्कोप से भी इसको देख सकते हैं. हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है. मिल्की वे इसलिए है क्योंकि वो स्पेस में ऐसा लगता है कि जैसे दूध गिरा हुआ हो, लेकिन इंडियन नेम मिल्की वे का जो है आकाशगंगा है. कई जो गैलेक्सीज होती हैं बेटा, वो जो है या तो स्पायरल होती हैं या एलिप्टिकल होती हैं. जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं वो बहुत ब्राइट होती हैं, लेकिन जो स्पायरल गैलेक्सीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बिगर होती हैं, मतलब बिगर देन दैट ऑफ द अदर वन. मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है वो हमारी स्पायरल गैलेक्सी है. नीचे आप इसका डायग्राम भी देख रहे हैं, स्पायरली अरेंज है. इसमें सब कुछ स्टार्स हैं और गैसेस वगैरह सब स्पायरली इसमें अरेंज है. एंड टू एंड अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जाना हो तो इसमें 1 लाख लाइट ईयर लगेगा. और जो हमारी, क्योंकि बहुत बड़ी गैलेक्सी है, इसमें 100 बिलियन स्टार्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स में कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट होती हैं. जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है
उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है, और हमारी उसका जो डायमीटर है मिल्की वे का वो 1 लाख लाइट ईयर्स है। मिल्की वे जो है ये जो सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर होता है जो गैलेक्सी का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है मिल्की वे। अदरवाइज जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, उस पे जो है बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो हमने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी जो है कलेक्शन होता है हेवनली बॉडीज की, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, और उसका इंडियन नेम है आकाश गंगा।